एमएलए की शिकायत आई, तीनों को मैंने एक्शन लिया। एक मिनिस्टर को मैंने सबसे पहले मिनिस्ट्री से उसको उतार के, हेल्थ मिनिस्टर थे उसको उतार के अंदर किया। हम कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आए जनाब, जो ये कह रहे हैं ना ये जी घोटाला कर दिया। अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी आईआरएस ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, कहते हैं कि इनकम टैक्स के तो चपरासी माननी है, चपरासी इनकम टैक्स के दफ्तर का वो भी माला माल हो जाता है। ये तो कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा लेते। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, आप लोगों के साथ मिलता रहा, लफ्टर चैलेंज से ऊपर चले गए थे, सब फिल्मों में भी काम करें, मैं भी करोड़ों रुपये अपने उसी प्रोफेशन से कमा लेता, मुझे क्या पड़ी थी इनके साथ पंगे लेने की। लेकिन मैंने सोचा भगवंत मान, हंसी भी तभी अच्छी लगती है ना, चूल्हे में आग बलती हो, मेरी मेरे आंखों के सामने मेरा पंजाब बर्बाद हो रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरे पंजाब को लूटा जा रहा है, रेते की खनन लूट रहे हैं, बसें लूट रहे हैं, होटल ढाबे लूट रहे हैं, जो भी काम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा भगवंत मान ऐसे तो चलेगा नहीं, सीडी वीडी निकालते रहोगे तो दुनिया से चले जाओगे, क्या हुआ फिर, क्या आने का फायदा? कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो हम अब समाज को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान डालें, तो मैं आया राजनीति में मान साहब। लेकिन जनता ये भी तो पूछती है कि कहां आप कटरीना के साथ थे या केजरीवाल के साथ आ गए? नहीं देखो बात ये है कि प्रोफेशन वो प्रोफेशन था, अब मैंने वो छोड़ दिया। और ये राजनीति जो है नौ से पांच वाला दफ्तर का काम नहीं है, ये तो 24 घंटे है, इसमें आप ये नहीं कर सकते। सनी देओल ने क्या किया, देखो गुरदासपुर में एक दिन भी वहां गया नहीं, गुरदासपुर बॉर्डर पे है, बॉर्डर के पार तो नलके उखाड़ता है, इधर गुरदासपुर में एक भी नलका नहीं लगवाया 5 साल में। तो मतलब भाई साहब ये थोड़ी होता है कि मतलब आप एक बार जीत गए उसके बाद जाना ही नहीं है लोगों में, काम तो लोगों को जीतने के बाद ही पड़ते हैं ना कि मेरा ये काम करवा दो करा दो। तो इसलिए ये जो सेलिब्रिटी जो जितने भी हैं उनको उनको मेरी अभी भी मेरी बहुत सलाह देनी चाहता हूँ जी, वैसे तो बिन मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, मैं देता हूँ कि अगर राजनीति में आना है तो पुराना सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। और राजनीति में आपका आपको आर्टिस्ट को आदत होती है तालियों की और तारीफ की, कि जितनी तारीफ होती है उतना आर्टिस्ट ऊपर जाता है कि बहुत अच्छी पिक्चर आई है बहुत अच्छी। और इधर राजनीति में तालियों की बात भूल जाओ, गालियां मिलती हैं, जो काम आपने किया भी नहीं उसका भी पता नहीं कहां से ला के किधर से लिंक कर देंगे। अब आजकल प्रधानमंत्री यही काम करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, दो राउंड हुए, अब तो तीन हो गए जी, तीन तीन राउंड में भाषण की टोन बदल गई भाई साहब मोदी साहब की। पहले कहते थे अब की बार 400 पार, अब जब पता चला इलेक्शन थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के लीक हुए तो मुझे मैं नारा दे देता हूं बीजेपी वाले बोल दिया करें कि अब की बार हो जाए सिर्फ बेड़ा पार, तो और कोई पार पूर नहीं है इनका। लोगों को पता चल गया कि धर्म के नाम पे हमारे हमें लड़ाते हैं और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, तो इस बार लोग लोकतंत्र के लिए वोट डालेंगे। नहीं लेकिन मान साहब ये तो एक बड़ी समस्या है ना आपकी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके मामले की सुनवाई कर रही बेंच है उसने ये कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण स्थिति है और हम सिर्फ चुनाव की वजह से उनके अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? देखो मामला सब जुडिस है, मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जज साहब ने ये कहा जो पब्लिक हो गया तो अच्छी बात है कि वो उनको लोकतंत्र के लिए आप विपक्ष को पूरे विपक्ष को अंदर करके बाद में इलेक्शन लड़ोगे फिर क्या फायदा हुआ? पुतिन ने क्या किया डेढ़ महीना पहले, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इलेक्शन करवाए, 88.12% वोट पड़े और जो 11.88% हैं जो उनको नहीं पड़े वो वोट वो नहीं है जो उनके विरोध में पड़े, वो वोट वो हैं जो खराब हो गए। मतलब एक भी बंदा उसके खिलाफ वोट वोट नहीं डाल सकता, 10 साल के लिए बन गया अगले 10 साल के लिए बनेगा, तो यही हालात हमारे हो जाएंगे, हमारे भी यही करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और डायरेक्ट